जो भी लड़का लड़कियों की लीग से बाहर होता है वो उनको पसंद आ जाता है. सो इसलिए लड़कियों को ज्यादा विराट कोहली पसंद है रदर देन बाबर आजम. बाबर से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन डैशिंग अगर देखा जाए तो विराट कोहली है. उसका एक अपना स्टाइल है, अपनी एक लुक है, अपनी एक अदा है जिस पे बहुत सारे लोग मरते हैं. विराट कोहली का टाइम था वो तब दुनिया के लिए वो ज़्यादा मतलब उसकी क्लास थी. अब चूंकि बाबर आजम का दौर आ रहा है उसकी क्लास उससे विराट कोहली से बेहतर. बाबर आजम के साथ डेट पे जाऊंगी और पेरिस जाना चाहूंगी क्योंकि वहाँ आईफल टावर है एंड आई लव इट. बाबर आजम को तो देखने का भी दिल नहीं करता चाहे वो हमारा अपना है. जिस पैशन से विराट खेलता है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव और कीप अप द हार्डनेस. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं हूँ सना अमजद और आज मैं आप लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आई हूँ. आज हम पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे कि दोनों कैप्टन में से, इंडिया के विराट कोहली में से और पाकिस्तान के बाबर आजम में से कौन सा ज़्यादा हैंडसम है. तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है. आपका नाम? मनाहिल. फातिमा नूर. आमना वाजिद. बिलावल अंजुम. मोहम्मद मुदस्सिर. जैसिका एंथनी. फाइका से. तैयबा जाहिद. मशहूर सलीम. बकार फारूक. विराट कोहली और बाबर आजम से ज्यादा हैंडसम कौन है? ज्यादा हैंडसम तो विराट कोहली है, लेकिन आई लाइक बाबर आजम. ये क्या बात हुई, हैंडसम विराट है तो पसंद बाबर को करती हो? क्योंकि जो विराट है एक तो वो हिंदू है और दूसरा ये कि वो ही इज आउट ऑफ माई लीग. That's why. तो इसलिए मजबूरन बाबर आजम के साथ जाना पड़ा. हाँ, मतलब मजबूरी है, कुछ हो नहीं सकता. कौन सा प्लेयर ज्यादा हैंडसम और डैशिंग है, विराट कोहली इंडिया का कैप्टन या पाकिस्तान का कैप्टन बाबर आजम? विराट कोहली. क्या वजह है बाबर रिजेक्टेड और जो विराट है वो सिलेक्टेड हो गए हैं? विराट की फैन फॉलोइंग ज्यादा है और हैंडसम भी है, इसीलिए. विराट कोहली instead of बाबर आजम. देखिए, बाबर से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन डैशिंग अगर देखा जाए तो विराट कोहली है. उसका एक अपना स्टाइल है, अपनी एक लुक है, अपनी एक अदा है जिस पे बहुत सारे लोग मरते हैं. तो इन दोनों में मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा. इन अ सेंस मुझे हैंडसम दोनों में से कोई नहीं लगता, लेकिन जिस पैशन से विराट खेलता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और मुझे लगता है कि उसके फॉलोअर्स हैं ना वो भी उसके पैशन की वजह से ज़्यादा हैं. और वैसे वो थोड़ा सा क्यूट भी है तो वो इस वजह से भी ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को. बाबर आजम ज़्यादा हैंडसम है. मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे का एक टाइम होता है. जब विराट कोहली का टाइम था वो तब दुनिया के लिए वो ज़्यादा मतलब उसकी क्लास थी. अब चूंकि बाबर आजम का दौर आ रहा है उसकी क्लास उससे विराट कोहली से बेहतर है. तो इस वक्त जो दुनिया में ज़्यादा मोस्ट लव जिसे दुनिया कर रही है वो बाबर आजम है. उसकी क्लास भी है, उसकी कवर ड्राइव भी बहुत अच्छी है. तो इस हवाले से मेरा वैसे फेवरेट प्लेयर भी बाबर आजम है. विराट कोहली और बाबर आजम में से ज़्यादा हैंडसम कौन है? विराट कोहली हैंडसम है. कितना हैंडसम है बाबर से? थोड़ा सा ही है, मुझे इतना खास दोनों ही नहीं पसंद वैसे. विराट. पक्का? हाँ. और विराट बाबर आजम को तो देखने का भी दिल नहीं करता चाहे वो हमारा अपना है, लेकिन उसको मतलब वो फिर भी थोड़ा सा देखने के लायक है, काबिल है. मतलब कि वो इतना बेचारा आपको बुरा लगता है कि उसको देखने का दिल नहीं करता? उसकी पर्सनैलिटी नहीं है. कौन सा प्लेयर ज़्यादा क्लासी है, विराट कोहली या बाबर आजम? मेरे ख्याल से बाबर आजम, क्योंकि अगर हम बाबर आजम का देखें तो वो इस टाइम T20 में भी नंबर वन पे हैं और तीनों फॉर्मेट्स पे वो कोई ना कोई पोजीशन रख रहे हैं टॉप 10 में. और इसके अलावा अगर आप विराट का करियर देखें तो वो बाबर आजम से ज़्यादा है, बट इन्होंने एक शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स किए हैं और उनकी कवर ड्राइव्स वगैरह हर जगह फेमस है. अच्छा, ये तो बात हो गई उनके काम की, उनके खेलने की. अगर हम लुक्स की बात करें तो कौन सा ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग है? लेकिन लुक्स की बात करें तो फिर विराट होगा, ठीक है. लेकिन हम इस टाइम अगर क्रिकेट की बात करें तो मेरे ख्याल से बाबर आजम ही जाएगा उसके साथ. विराट मेरी नज़र में ज़्यादा, तो बाबर आजम ये पिछले रिसेंटली मतलब कुछ ही डेज में मतलब इस तरह उसने अपने आप को ग्रूम किया है. अदरवाइज विराट जोन्स है ना वो मतलब ज़्यादा है. मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, जो कहते हैं ना क्रिकेटर होने के नाते मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन करना चाहिए, ठीक है. बेशक वो इंडियन है, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा,
जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। अगर आपको लाइफ में कभी चांस मिलता है इन दोनों में से किसी एक के साथ डेट पर जाने का, तो किसके साथ जाओगी और कहाँ? बाबर आजम के साथ डेट पे जाऊंगी और पेरिस जाना चाहूंगी क्योंकि वहाँ आईफल टावर है एंड आई लव इट। बड़ी ऊंची सोच है। हाँ ऊंची सोच है, इसलिए बंदा आउट ऑफ लीग नहीं चुना। अगर आपको विराट के साथ कहीं जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहोगी? मालदीव्स। मालदीव जाना चाहूँगी। क्यों? प्यारा है ना वो, मतलब अच्छा है वहाँ पे सब कुछ है, मतलब फुल पैकेज। उम्मीद तो यही करूँगा कि वो पाकिस्तान में आए और मुनाल इस्लामाबाद मुनाल पे बैठ के हम एक खूबसूरत नज़ारा देखते हुए वहाँ पे मैं उनके साथ डिनर करूँ, ताकि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाई जा सके। और वैसे आपने जो ये कंडीशन लगाई, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े प्लेयर के साथ कभी मौका मिलेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ आपको डेट पर जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाओगी? डेट पे विराट तो, क्योंकि वो शादीशुदा भी है, और डेट इन अ सेंस क्योंकि मुझे दोनों ही नहीं अच्छे लगते, तो मैं डेट का भी क्यों सोचूंगी दोनों में से। लेकिन अभी आपके पास एक ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में से अभी आपको एक चूज करना है कंपलसरी। आई थिंक मैं इस लिहाज से फिर बाबर आजम को चूज करूंगी डेट के लिए। यार बाबर आजम आपको पसंद नहीं और उसके साथ डेट पे जा रही हो, ये क्या सेंस हुई? मुस्लिम है ना, मुस्लिम है, हम अपने कल्चर को अगर देखेंगे तो फिर बाबर आजम को चूज करना चाहिए, ना कि विराट कोहली को। विराट कोहली तो एज अ पैशनेट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसका पैशन बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा अगर इस्लाम को एक साइड पर रखें फिर विराट ठीक है। वो ठीक है फिर विराट। अच्छा, यानी कि जो आपका दिल है उसको इस्लाम ने रोका हुआ है। अपने कल्चर को लेके होना चाहिए। सही। अच्छा कहाँ पे जाना चाहोगी विराट के साथ, कोई ऐसी जगह कोई माइंड में है? इस्लामाबाद मुनाल। फॉर एग्जांपल अपने फेवरेट प्लेयर के साथ, जो कि आपने बताया कि बाबर आजम है, उनके साथ कहीं एक डिनर करने का मौका मिले और जगह आपने सेलेक्ट करनी है, तो बाबर आजम के साथ कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? नानचनी खाएंगे। क्यों? हमारी फेमस गजाब है। अच्छा उसके अलावा कोई और ऑप्शन? उसके अलावा हम हवेली चले जाएंगे, खाएंगे हम देसी खाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ क्योंकि पाकिस्तान दिल से हम लाहौरी हैं। मुझे आपके जवाब से ही पता चल गया है कि विराट आपका फेवरेट कैप्टन है, फेवरेट प्लेयर है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपको विराट के साथ एक डिनर करने का मौका मिले तो कहाँ पर लेकर जाना चाहेंगे आप विराट को? पाकिस्तान में या इंडिया में? ऑप्शन आपके पास खुली है, जहाँ आप ले जाना चाहें। ऑप्शन ये है कि विराट मुझे कहाँ पे लेके जाना चाहेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं करता। लेकिन अगर आपको चांस मिले कि जगह आपकी पसंदीदा हो तो? मेरी पसंदीदा जगह हो, पसंदीदा तो मैं उसको इस्लामाबाद ले जाऊंगा मुनाल। सारे मुनाल ही क्यों जा रहे हैं भाई, और कोई जगह अच्छी नहीं है पाकिस्तान में? वो हाइटेड एरिया ना जरा ठीक है, अच्छा लगता है शाम को बैठ के वहाँ। क्या पैगाम देना चाहोगी अपने फेवरेट कैप्टन को? लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि फेवरेट कौन है, बाबर या विराट, एक बार फाइनल बता दो फेवरेट कौन है? अच्छा बाबर फेवरेट है क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन है, और ऑब्वियसली वो मुस्लिम भी है, और दूसरा एक्सेप्टेबल है हर लिहाज से, और आई थिंक ही इज़ एन ईजी टारगेट। सो आई वुड रादर गो विद बाबर आजम विराट के बजाय, तो वो मेरा फेवरेट कैप्टन है। उसके लिए मैसेज ये है कि कीप इट अप और सी यू इन फ्यूचर। क्या मैसेज देना चाहोगी विराट कोहली को? कीप अप द हार्डनेस। बस। और आप कीप अप द गुड वर्क। जो कमिटमेंट है उनकी गेम के साथ वो रखें, और दूसरे प्लेयर्स की इज्जत वो ज़रूर किया करें। बाज़ोकात वो थोड़ी ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं ऑन द ग्राउंड्स, और शायद वो उनकी मोहब्बत है क्रिकेट के साथ तो उसमें थोड़ा सा ख्याल किया करें दूसरे प्लेयर्स का, बाकी ही इज ग्रेट। तो अपने फेवरेट कैप्टन बाबर आजम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि बाबर आजम को चाहिए कि अच्छा कैप्टन, एग्रेसिव कैप्टन बनना चाहिए, लाइक इमरान खान या सरफराज अहमद। तो वैसे कैप्टन अगर वैसे पाकिस्तान में अगर आप पूछें तो मेरा सरफराज अहमद वाज द बेस्ट कैप्टन, फेवरेट कैप्टन रहा है। बहुत गंदी चॉइस है। नहीं इतनी गंदी भी नहीं है, वो अच्छा कैप्टन रहा है। क्या पैगाम देना चाहोगे बाबर आजम को अगर वो इस वक्त आपको देख रहे हैं तो? मैं यही कहूँगा कि इसी तरह खेलते रहें जिस तरह खेल रहे हैं, और अहमद शहजाद की तरह फैंसी ना हो ज़्यादा, ठीक है, जिस तरह खेले अपनी फॉर्मेट में इसी तरह बरकरार रखें अपने आप को। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने फेवरेट कैप्टन को? अच्छा जी, फेवरेट कैप्टन, सबसे पहले तो आपसे माजरत कर रहा हूँ इस चीज़ की,
कि मैंने विराट की तारीफ़ की क्योंकि उसके काबिल था। आप भी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरे भी फेवरेट हैं आप, ठीक है। उस पर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा, आगे T20 कप आ रहा है माशाल्लाह, उस पर अच्छा परफॉर्म करके और पाकिस्तान को खुशियाँ दें। उस पाकिस्तान के यूथ का कहना है कि विराट कोहली तो क्लासी प्लेयर हैं ही, लेकिन बाबर आजम ने भी वक्त के साथ साथ अपने आप को काफ़ी ग्रूम कर लिया है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।